हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज सुबह है और आज सुबह हल्की बारिश हुई है, बहुत ठंड थी। तो देखो आग जला के मैं बैठे हुए, ये देखो चाचू, ऐसा लग रहा है कि आज वो संजय कितना ठंड है, क्यों कहना करुआ ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। अरे हम मस्त आग जला के हम सब बैठे हुए, चाय रख के आ गई हूँ। यहाँ आग जला के सब ताप रहे, अभी थोड़ी देर बाद चाय लेके आएंगे, सब लोग यही बैठ के चाय पिए। अबे ठंड है, मैंने कहा शिमला मनाली में बैठी है। चाय अपनी अपनी पियो, अब पियो। इधर फालतू हंस रही, इधर फालतू, इधर फनी ऐसी। कानू पूरे गांव के मजे ले रही है। कानू चाचू प्यार कर रहा है। चाचू कैसा है? अच्छा है ये चाचू, अच्छा है चाचू को, आपका है चाचू को प्यार कर लो, किच्ची मुच्ची कर दो, किच्ची करो, लाड कर लो चाचू को, लाड कर लो, लाड कर दो। चिपक जाओ, चिपक जाओ, क्या चिपक के मम्मा को लाड करती है, एकदम ऐसे चिपक जाती है बंदर की बच्चे की तरह। अच्छा है पापा। ये गुस्सा बैठी है, पता नहीं किस बात से। हम लोग उधर आग में हाथ ताप रहे हैं और ये देखो, ये मैं पता करती हूँ क्यों गुस्सा है ये। अकेला देखो कहाँ के गुस्से में बैठा है। अरे भैया क्यों, किस बात का गुस्सा है, क्या हुआ कानू, क्या हो गया बेटा? बेटा पापा से नाराज हो, दादी से नाराज हो, धुआं लग रहा है, क्या हुआ? चाचू से नाराज हो, बता तो, धुआं लग रहा है तो तुम यहाँ ऐसे बैठ गई? अरे मेरे बच्चा आ जाओ मेरे लड़का, हम धुआं तोड़े रहे, आ जाओ मेरे बेटा, धुआं लग रहा था मेरे बच्चे का, धुआं लग रहा था, चलो मम्मा अच्छी जगह बैठाएगी, चलो तो अब नहीं लगेगा धुआं, आ जाओ, चलो तुम गुस्सा हो क्या बैठ गई, लड़िया लो करे, गर्मी लग रही, दिखा अब धुआं लग रहा था, गर्मी भी लगने लगी, आपको अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रही हो कानू, है ना? पत्ता तोड़ लो। आज हम आए हैं छत पे और आपको दिखाती हूँ छत इनकी, ये देखिए छत है पूरी, ये पीछे इतनी बड़ी पूरी छत है ये इनकी, और छत से इनका पूरा जो गांव का लुक आता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये छत है ना इनका, पहले वो पुराना था, फिर ये नया बना, अभी और नया बन गया, तो देखो सीढ़ी की तरह बना हुआ है, पहले नीचा फिर उससे ऊँचा फिर ये और ऊँचा। ये पेड़ वगैरह दिख रहे हैं, ये जो हमारा पूरा बगीचा है, पीछे पेड़ है, इसका ब्लॉग में अभी इसका मैं भी आपको बताऊँगी, जब नीचे जाऊँगी पूरा बताऊँगी, अभी मैं छत पे हूँ तो छत का बना रही हूँ। देखो ये पूरा बगीचा अपना है, ये सारे पेड़ पौधे जितना ये बगीचा है सभी अपना है, ये देखो जहाँ जहाँ तक नजर जा रही है सब अपना है। करो तब मैं फोटो खींचूंगी। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपने जो भी हमने यहाँ पेड़ वगैरह जो हमने उगा रखे हैं, जो भी छोटी मोटी खेती की है, मैंने तो घर के पीछे थोड़ा ही से उगाया है, मैंने तो सब्जी हमने खेत में उगा रखी है, जिसका वीडियो भी मैं बनाऊंगी, और क्या कहते हैं अभी मैं आपको दिखाती हूँ सारा। ये पहला पेड़ आपको दिखा रही हूँ, ये है नींबू का पेड़, नींबू के पेड़ यहाँ कितने हैं? यहाँ पे दो हैं, एक पेड़ ये है, एक पेड़ वो देखो आप सामने दिख रहा है दीवाल के पीछे, ये नींबू का पेड़ है, ऐसे यहाँ चार पेड़ हैं, और देखिए इस वाले पेड़ पे बाकी सारे नींबू तोड़ चुके हैं, सीजन नहीं है, एक नींबू लगा हुआ है जो आज हम तोड़ लेते हैं। अरे नींबू ये रहा, ये देखो ये रहा, ये हमने लेमन तोड़ा, लो नया पकड़ो, हाँ पकड़ लो। ये पेड़ है, इसे बोलते हैं सलीफा, और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बस ये पता है यहाँ सलीफा बोलते हैं, और ये देखो पका हुआ है, एक ऊपर पक गया है, इसको तोड़ लेते हैं,
तोड़ो इसे, कैसे टूटेगा? वो देखो ऊपर पका हुआ है, देखो ये वाला, हाँ ये दो, और नीचे करो, हाँ पीछे वाला, हाँ ये पीछे है, देखो ये पका हुआ है, देखो तोड़ो इसे वाले फिर, इसको तोड़ लो, पहुँच गए। ये हाँ ये देखो, ये है सलीफा, ये खाया, ये पका हुआ है, पकड़ा, हाँ ये लो अनाया पकड़ी हुई है, ये ये है यहाँ हमारे करेले की बेल। ये भी देखो नींबू का पेड़ है ना ये, हाँ नींबू, ये नींबू का पेड़ है ये, अभी इसमें अगले साल नींबू लगेंगे। और यहाँ साथ में लगा रखी है करेले की बेल, और देखो करेले में दिखाऊँ कितने सुंदर सुंदर फूल आए हुए हैं, ये देखो फूल आए, करेले भी इसमें छोटे छोटे लगे हुए थे, अरे ये देखो, ये देखो कितने छोटे करेले, देखो ये छोटे छोटे करेले लगे हुए हैं, ये देखो, और इसमें बहुत सारे फूल आए। हम मई तक आएंगे तब तक हो जाएगा ना, अब हम नेक्स्ट जब मई में आएंगे तब सारी सब्जियां लग चुकी होंगी, तब हार्वेस्टिंग करेंगे आके हम सब्जियों का, तब एक हार्वेस्टिंग का वीडियो बनाएंगे। और ये देखिए पीछे मैं आपको दिखाती हूँ, ये पेड़ है लीची का, जिसमें बहुत लीची लगते हैं, ये पीछे पूरा जंगल है, ये देखो जंगल, और ये जो आपको पेड़ देख रहे हैं बांस के पेड़ है, बांस के ऐसे पेड़ देखे हैं, ये देखो पूरा ये जो जंगल है पूरा आपको जो दिख रहा है ना वो ऊपर तक, ये पूरा बांस का जंगल है, ये देखो। मैं एक बार आपको राउंड में लुक दिखा देती हूँ, ये देखो ये पूरे पेड़ ही पेड़ है, सिर्फ ये आम का पेड़ है ना, दूर से दिख रहा है ये सामने, ये आम का पेड़ है, ये पेड़ इसका है, ये सलीफे का है ना थोड़ा, हाँ इसमें ऊपर और भी लगे हुए हैं, ये देखो ऊपर और भी लगे हुए हैं, ये एक पेड़ है, ये भी आम का पेड़ है, ये पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है, जिसमें नेक्स्ट ईयर बहुत सारे अमरूद आएंगे, अभी तो नहीं आए इस साल, अगले साल से आना शुरू होंगे जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। और साथ ही में यहाँ पे है ये कटहल का पेड़, ये देखिए कटहल जो होता है ना उसका पेड़, जैक फ्रूट उसका पेड़ है, ये जैक फ्रूट ही कहते हैं ना उसे, उसका पेड़ है ये। और साथ में मैं आपको दिखाती हूँ कड़ी के पत्ते, ये देखो जो पीछे ही जंगल दिख रहा है ना सारे कड़ी के पत्तों का जंगल है। जब मैंने यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ पे आई, लोगों को पता ही नहीं था ये कड़ी के पत्ते हैं, तो मैंने थोड़े बोले ये तो जंगल जंगल नहीं, कड़ी के पत्ते हैं, इसको यहाँ ये लोग मीठा नहीं बोलते हैं। ये देखो तोड़ के खाती हूँ, ये ऐसे हैं कि आप खड़े हो जाओ यहाँ पे, तो इतनी अच्छी स्मेल आती है, एकदम ऑर्गेनिक है, क्योंकि अपने आप ये मतलब पूरा इसका जंगल है, किसी ने ये उगाया नहीं है, इतनी अच्छी स्मेल आती है इसकी, बहुत सुंदर पूरा कड़ी के पत्तों का ही जंगल है पीछे। ये एक पेड़ नींबू का यहाँ पे ये भी है, और ये देखो तोरई लौकी की ये सारी बेल पड़ी हुई है पेड़ पे ऊपर, देखो पूरा ये तो जो मैंने आपको दिखाया पीछे ही सारे पेड़ थे जो लगे हुए हैं, कुछ कट गए थे अमरूद वगैरह के पेड़, और जो अभी मतलब लगाए हैं नेक्स्ट ईयर उनमें फल वगैरह आना शुरू होंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ छोटी मोटी, यहाँ उन्होंने खेती की है घर के पीछे, खेत में जो की है वो तो अलग की हुई है, लेकिन यहाँ भी छोटी मोटी की है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये मेरा छोटा देवर अक्षय ये आपको एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि सारा इसने ही लगाया है, इसे आइडिया है। ये मिर्ची का पेड़ है, ये मिर्ची का पेड़ है, और ये कब तक से मिर्ची आ जाएगी? ये आ जाएगी 15-20 दिन में आ जाएगी, 15-20 दिन में से मिर्ची आ जाएगी, लो हमारे जाने का टाइम आया तो मिर्ची आएगी। और ये पूरा धनिया का पत्ता, ये धनिया लगे हुए हैं ग्रीन ग्रीन, ये धनिया है, ये लहसुन है, लहसुन देखो, ये लहसुन है, ये लहसुन है, ये देखो दिखाती हूँ आपको बड़े, इसको आप तोड़ के ना इसके ये आप जाओ तो आप मार्केट में आपको मिलते भी होंगे, इसकी भी सब्जी बनती है, इसे खाओ ये भी बड़ा टेस्टी होता है। ये टमाटर है, ये देखो ये बता रहा है यहाँ टमाटर, ये सब टमाटर है, ये टमाटर के पेड़ लगे हुए हैं सारे, ये भी टमाटर, ये बैंगन है, ये बैंगन के पेड़ है, ये इधर सब बैंगन है, इधर ये गोभी है, ये गोभी का पेड़ है, गोभी है, हरा प्याज नहीं किया? नहीं प्याज नहीं, प्याज अभी नहीं होता है, जब आलू निकल, आलू खत्म हो जाएगा निकल के तब उसके बाद प्याज होता है। तुम्हारा आलू हो गया? आलू हो रहा है, हो रहा है, तो आलू में तुम्हारे बथुआ नहीं होगा? हो रहा है, वो भी सब सब साथ में होगा। यहाँ पे इन लोगों ने इतना ही उगाया है, बाकी जो उगाया है वो खेत में उगाया है, और अभी ये बस 15-20 दिन में सब निकल आएंगे। नेक्स्ट टाइम हम मई में आएंगे, क्या कहते हैं मई में हमारा टूर है नेक्स्ट, तब आपको ये सब देखने को मिलेगा, तब हम हार्वेस्टिंग करेंगे उसकी वीडियो अलग बनाएंगे। और ये जितना ये किया है सारी मेहनत इसने की है, यही आप पूरा ये खेत वेत सब यही करते हैं। और देखो छोटी सी तुलसी तोड़ के खा रहा है, ये देखो
हाँ तुलसी का पेड़ है, ये देखो ये एक नींबू का पेड़ यहाँ पे भी है। यहाँ तो ये हाल है, अगर आप खा मतलब नींबू खा भी रहे हो बीज डाल दो तो अपने आप पेड़ उगाता है, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो पीछे कितना सुंदर जंगल है, ये देखो जैसे मैं बता रही थी ना, ये देखो कड़ी के पत्ते का पेड़ निकला हुआ है, किसी को पता ही नहीं है, ये देखो कितना छोटा सा। तो ये था हमारा इसका छोटा सा ब्लॉग जो भी पीछे हमने किया हुआ है उसका, और बस आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अब तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।